फिर आज हम करेंगे लीनियर एल्जेब्रा, ठीक है। ये जो पास कोर्स और ऑनर्स मैथमेटिक्स के 6 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यार आज के इस वीडियो में, ठीक है। सेक्शन 1 का कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन सेक्शन 1 से बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाके डिमांड कर सकते हैं आप। शॉर्ट आंसर टाइप वीडियोज़ भी मिल रही होगी यार आपको इंपॉर्टेंट की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आपको मिल रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए इसके अपडेट के लिए, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है डिस्कशन वगैरह के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए, वो चीज़ें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो, आई एम सिद्धार्थ, वेलकम टू शकुंतलास। स्टार्ट करते हैं यार, और यदि आप लोगों को नोट्स असाइनमेंट कुछ भी चाहिए हो ना यार, तो शकुंतलास.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके डाउट्स और प्रॉब्लम्स ले जाते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी मैं आपसे बात करता हूँ यार सिलेबस के बारे में बात करता हूँ मैं। लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है वो टोटल चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, IGU का एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो अभी आपको बता देता हूँ कि टोटल आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं IGU वालों को, टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, और उसमें कोई भी कंपलसरी नहीं, कोई कंपलसरी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन टोटल करने हैं और 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से बन जाते हैं, ठीक है। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन बनते हैं तो ये मान लो 1.5 यूनिट से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और MDU में यार टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 5 क्वेश्चन भी टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है और 4 होते हैं जिसमें आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, फर्स्ट सेक्शन से 2 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने सेक्शन डिवाइड कर वाला बता रखा है कि कौन से कौन सा सेक्शन डिवाइड होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से फर्स्ट सेक्शन बनता है आपका, और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर से आपका सेकंड सेक्शन बनता है, ठीक है। तो आज हम यार फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें यार चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, फर्स्ट चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक तो मिनिमम क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक मतलब कि एक पार्ट होता है उसका, एक तो मिनिमम क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 90% चांस है कि 2 क्वेश्चन पूरे बन जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से बन जाता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है यार सेकंड चैप्टर से, दूसरा क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से पड़ता है। और क्वेश्चन स्पेस जो चैप्टर है यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक बार एक क्वेश्चन या फिर मतलब एक क्वेश्चन का एक पार्ट पूछ लिया जाता है, तो 2 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, ठीक है। एक पार्ट पूछ सकते हैं कभी, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यार स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि एक बैच है हमारा, कोर्स है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको बिल्कुल गारंटी देते हैं कि आपकी रीअपियर इस बार नहीं आएगी, ठीक है। यार नाम की गारंटी नहीं है, इसमें पूरा काम होगा, ठीक है। रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। कोर्स के बारे में थोड़ी सी बता दूं आपको एक बार डिटेल्स, इस कोर्स के अंदर हम हर बच्चे को इंडिविजुअली गाइड करने वाले हैं, गाइड ही नहीं बल्कि हर चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे उसको, किसी भी टॉपिक में डाउट है वो क्लियर करेंगे। पूरे 2 सेक्शन जिससे उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है, 2 सेक्शन पूरे उसको करवाए जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा आपका, बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में बिल्कुल खींच तान के आपको रखा जाएगा भाई। और इस कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं, इस कोर्स में बिल्कुल गारंटी है यदि आपकी रीअपियर आ जाती है, 99% हम कह रहे हैं कि रीअपियर नहीं आएगी, लेकिन 1% रीअपियर आ भी जाती है तो हम आपको जो फी है वो आपको रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये हमारी कोर्स की हाइलाइट्स हैं, ठीक है। कंप्लीट 2 सेक्शन करवाएंगे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, इंडिविजुअल का डाउट एक ऑनलाइन सेशन के थ्रू, जूम और यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी नहीं, इसमें सारे जूम सेशन चलेंगे आपके, ठीक है। और प्रॉपर फॉर्मेट में तरीके से चलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे प्रिपेयर करवाए जाएंगे आपसे, रेगुलर अटेंशन डेली आपको गाइड किया जाएगा क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, रेगुलर चेक किया जाएगा आपकी पढ़ाई को, ठीक है। टेस्ट दिया जाएगा आपको हर लेक्चर के बाद, और हर तीसरे दिन आपको एक सैम्पल टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स वगैरह हम इंप्रूव कर देंगे, जिससे आपके लिए आने के चांसेस बिल्कुल हट जाएंगे, ठीक है। और सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टीज होंगी जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ाया हुआ है और इन्हीं कोर्सेज को पढ़ाया हुआ है, और यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा बनाए गए होंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में 101% पूछे जाएंगे, ठीक है। उनके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसी मेथड से सभी क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, ठीक है। और मनी बैक वाली पॉलिसी है हमारी, ठीक है, यदि रीअपियर आ जाती है तो आपको आपकी फ़ीस है वो वापस कर दी जाएगी। कंप्लीट डिटेल्स के लिए और अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप रजिस्टर करिए, उसके बाद भी कोई डाउट है तो इस वेबसाइट पर आपको एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं अपना आज का लेक्चर यार, वेक्टर सब स्पेसेस की बात करूँ तो यार यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है, कि वेक्टर, अब इसमें क्या करना है देखो, ठीक है, वेक्टर स्पेस बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, इसमें क्वेश्चन बताना है यार, करना कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें होती हैं आपकी वो प्रॉपर्टी होती है स्केलर प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सेटिस्फाई करना है और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपके अगले क्वेश्चन देखो यार, ये थ्योरम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स,
कुछ एक थ्योरम्स है, थ्योरम्स पूछे जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से, पहले बता रहा हूँ मैं। अभी देखेंगे ना, सिर्फ एक क्वेश्चन था ये, इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है, ओवर क्यू। तो ये आपको कंपोजिशन दे रखी है, देखिए कंपोजिशन दे रखी है, और इस हिसाब से आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है यार। दो प्रॉपर्टी हैं एडिशन वाली और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, इनकी 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 चार चार प्रॉपर्टी हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस और इनवर्स वाली, ठीक है, आइडेंटिटी वाली। इन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से दो या एक थ्योरम पक्का पूछी जाएगी, ठीक है। सारी थ्योरम्स हैं, देखिए सब थ्योरम्स हैं, क्वेश्चन तो है ही नहीं, फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम्स हैं। और ये थ्योरम्स मैंने आपको बताई ना, कुछ 7 से 8 थ्योरम मैंने आपको बताई यहाँ पर। इन थ्योरम्स को यदि आपने कर लिया ना, 7 से 8 थ्योरम को, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा फर्स्ट चैप्टर से। दो क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, रजिस्टर कर लेना यदि आपको इंडिविजुअल इन सबको समझना है या फिर कुछ भी करना है तो, ठीक है। बेसिस एंड डायमेंशन नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर भी यार थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लीनियर का जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर आपको थ्योरम्स मिलेंगे, ठीक है, तो थ्योरम ही पूछी जाएगी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इन सभी के आपको प्रूफ है वो आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन पूछा, मतलब एक क्वेश्चन का एक पार्ट आता है ना, वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखो लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे प्रीवियस ईयर के उठा के और सारी चीज़ों को एनालाइज करके उसके बाद ये आपके सामने लेके आए हम क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ये वेक्टर स्पेस वाला, स्पेंस वाला पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यार, जो बिल्कुल आपसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, और इनसे इन यही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर करिए, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप ज़रूर करिए, ठीक है। अभी ये देखिए, ये सब स्पेस स्पेंड बाय द वेक्टर्स, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। प्रूव दैट एस इज इक्वल टू स्पेंस द वेक्टर स्पेस, या क्वेश्चन लगभग सिमिलर लेके आए हूँ आपके लिए, ठीक है। सभी का मेथड लगभग सेम है, ठीक है, हर इन कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लिए यार, ठीक है। बेसिस एंड डायमेंशंस निकालने के लिए एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन बेसिस एंड डायमेंशंस निकालने के लिए पक्का आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ भी कर सकते हैं, इफ़ वी वन R2 सब स्पेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी हैव देन, ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वही बता रहा हूँ आपको। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन निकालनी है आपको, फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है ये। अब थर्ड चैप्टर की बात करूँ क्वेश्चन स्पेस की, तो क्वेश्चन स्पेस में दो ही क्वेश्चन हैं जिसके अंदर एक आपका ये क्वेश्चन है और एक आपकी ये थ्योरम है, ये आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके भी रेयर चांस है, ठीक है। तो यदि आपको थर्ड चैप्टर नहीं आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट ज़रूर करना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना ज़रूर करना, ठीक है। इनसे सिर्फ एक पार्ट पूछा जाएगा, इन दोनों क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा, ठीक। वही यार, अब फिर से यही कोर्सेज की बात बता देता हूँ आपको, ज़रूर इनरोल करें, बेनिफिट होगा आपको, रीअपियर बिल्कुल भी नहीं आएगी, हम गारंटी देते हैं इस चीज़ को, आपके साथ पूरा मेहनत करेंगे हम, ठीक है। आपको एक पूरा हमारी यार स्ट्रैटेजी है, तभी हम आपको गारंटी दे रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको रीअपियर नहीं आएगी। रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स पे, इस वेबसाइट पर जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, कोई भी PDF वगैरह डाउनलोड करनी हो तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ऐसी जो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ऐसी वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शॉर्ट आंसर टाइप की वीडियो आपको मिल रही होगी, इसका सेक्शन सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे होंगे। यदि आप अभी वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के लिंक्स, वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।